हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सो हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मॉर्निंग के कुछ 7 o'clock हो रहे, तो सबसे पहला काम मेरा टैबलेट लेने का होता है। समटाइम्स मैं 6 o'clock को उठ जाती हूँ, तभी ले लेती हूँ। सबसे पहले टैबलेट लेने के आधे घंटे बाद मैं लेती हूँ एप्पल साइडर विनेगर, और इसे मैं ऑलरेडी 1 week से ज़्यादा हो गया यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और इसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ, ये भी मैंने कहा था अच्छा है ये भी। और बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ चाय। सो मेरे हस्बैंड जी बोले आज चाय बना दो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बहुत ही कम चाय बनाने वाले। बाय द वे उन्होंने पिया तो नहीं, एक ही सिप लिया, बट मुझसे चाय बनवा लेते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप चाय बनवाया ही मत कीजिए, क्योंकि वो मतलब बोलते चाय एक ही बूंद। अब बताओ मुझे एक एक स्पून चाय में कैसे बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो बस एक एक सिप हमने लिया। और यहाँ पे मैंने रात को जो बर्तन धो के रखे थे, वो मैं अच्छी तरह से इस तरह से सुबह होते ही से सबसे पहला काम होता है किचन को साफ़ करती हूँ, सारे बर्तन को अरेंजमेंट अच्छी तरह से कर देती हूँ। और उसके बाद जो भी यू नो पीहू उठ जाती है, फिर पीहू को देखना एंड ऑल करती हूँ। यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुके हैं, और अब मैं बनाऊँगी अपने फेस के लिए थोड़ा सा। आज सोच रही हूँ फेस थोड़ा टैन हो गया था, कल मैं बाहर गई थी, तो आज सोच रही हूँ थोड़ा सा फेस पे ये लगा लूँ। और ये निमनी ब्रांड का है, मतलब मैं जब ग्लैमिगो करती थी तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला था, काफ़ी अच्छा। ये चारकोल एक्टिवेटर पाउडर है और ये ख़त्म भी हो चुका है। सो ये फेस मास्क है, और स्किन बहुत ही स्मूथ एंड अच्छी लगती है। और कुछ ये अराउंड था 300 रुपीज़, 344 मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा एक्चुअली। सो यहाँ पे बस मैं अप्लाई कर लूँगी। और पीहू को देखिए बाहर की इस तरह से टीवी देख रही है और अपने पापा से बातें कर रही है। और मैं यहाँ पे फेस पैक लगाने के बाद फिर से लग जाऊंगी अपने कामकाज में। और यही टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो अपने फेस को थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और यू नो। और इसके बाद मैं बनाऊंगी आज ब्रेकफास्ट, जो कि मैं आज ट्राई करने वाली हूँ MTR का। मैंने सोचा डरा दूँ आप लोगों को थोड़ा सा फनी। वेजिटेबल उपमा बनाने जा रही हूँ, और ये वेजिटेबल उपमा फ्रेंड्स मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया लास्ट लाइफ में। मैं कभी भी इस तरह से प्रिजर्वेटिव चीज़ नहीं लाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। सो मैं हमेशा दूर रहती हूँ एक्चुअली। मैंने सोचा चलो एक ले के देखती हूँ, और मेरे पास पोहा भी ऑलरेडी पड़ा है, उसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इसमें लिखा है कि आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे पानी भी बॉईल हो चुका है, और मैं थोड़ा सा जस्ट ट्राई के लिए इसे थोड़ा सा ट्राई करूँगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, खाने में तो टेस्ट अच्छा था, ओके था, बट बहुत ही चिपचिपा टाइप था, रवा इस तरह से नहीं होता। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसे प्लीज़ कभी भी मत लेना, और हो सके तो घर का बना हुआ ही आप उपमा खाना। ये मैंने खुद के यू नो ट्राई करने के लिए लाया था, बट मैं अब आज के बाद से इसे कभी नहीं लूँगी। सो देख सकते हो इसे थोड़ा सा और बॉईल करके इस तरह से स्टर करते जाना है, और बहुत ही ज़्यादा यू नो जैसे चिपचिपा टाइप में बना था, और खाते वक्त भी। और ये बर्तन एक्चुअली साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि चिपक सा गया था, मुझे पता नहीं क्या इन्होंने प्रिजर्वेटिव और क्या डाला था, समझ में नहीं आया, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो प्लीज़ डोंट बाय। और साइमल्टेनियसली जो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया हस्बैंड जी को, ऑफिस भी चले गए, और उसके बाद कुछ बज रहे हैं 10 o'clock, तो यहाँ पे पीहू को मैं किचन पे बिठा के बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि पीहू यहाँ वहाँ भागती है और टैब मांगती रहती है, मम्मा मोबाइल दे दो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा पीहू को मोबाइल दूँ, तो अपने साथ इस तरह से बिठा के पीहू को पोएम सुनाते सुनाते मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, और पीहू मेरे साथ खेल रही है एक्चुअली, और बोल रही मम्मा ये टिकली लगी है वहाँ, यहाँ पे मैंने टिकली लगा के रखी थी, मुझे दे दो। सो बस हम माँ बेटी अपना एंजॉय करते हैं, और मेरी मैड भी नहीं आ रही एक्चुअली, तो यहाँ बस सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। काम करने का कुछ नहीं, बट यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत काम होता है ना, एडिटिंग एंड ऑल, सो उसमें भी बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए सोचा एज अ हेल्पर कोई रख लूँ मैं। और बस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है जरूर कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। सो अभी जस्ट मैं ना MP मतलब कि RJ मलिश का सुन रही थी काम करते करते, तो मैंने सोचा बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ और कैसे लग रही मैं बाद में बताती हूँ। तो बोलना ये था एक्चुअली कि RJ मलिश का जो है ना, वो बोल रही थी कि मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन रखा था और सबको आंसरिंग करना था कि MP में एक ऐसा गवर्नमेंट वहाँ की जो है उन्होंने ये रखा है कि अगर आपका जो होने वाला दूल्हा है
अगर दुल्हन को आपके मतलब बाथरूम में से फोटो सेल्फी भेजता है तो गवर्नमेंट वहां की 51,000 रुपीज देगी। तो इससे क्या मतलब है, मतलब कि एमपी में मतलब ऐसा क्या है, या एमपी जो है बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास, या फिर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर दिया, हो सकता है प्यार बढ़ जाए इसलिए दिया होगा। बट वन लेडी गिवन द राइट आंसर, और उन्होंने बोला कि ये इसीलिए किया होगा क्योंकि जैसे कि एमपी या फिर यूपी साइड में बहुत सारे जैसे जगह पे हैं जहां बाथरूम अवेलेबल नहीं है, सो बाथरूम अवेलेबल करने के लिए मतलब उन्होंने इस तरह का यू नो मुहिम रखा है कि अगर आपका होने वाला जो दूल्हा है अगर वो बाथरूम में से यू नो फोटो खींच के भेजता है दैट मीन्स के पास बाथरूम है, मतलब ये लॉजिक उन्होंने लगाया और दुल्हन को मिलेगा 51,000। सोचिए कितना अच्छा मतलब ये आइडिया लगाया उन्होंने। सो ऐसा बहुत कुछ ना नॉलेज मिल जाती है रेडियो सिटी सुनने से, तो अच्छा लगता है रेडियो सिटी सुनते सुनते काम करना। सो अब देखिए मेरा अवतार कितना गंदा है और घर का काम मेरी बारी नहीं है, अभी मैंने बर्तन मांज दिया, सब क्लीन हो गए हैं और ये सब अभी थोड़ा सा क्लीन करूंगी और उसके बाद 10:30 हो गए, पीहू का हनुहनु कराऊंगी, मैं खुद करूंगी और फिर हम जाएंगे, पीहू को छोड़ने जाऊंगी, थोड़ा सा खाना खिला दूंगी, पीहू देखो क्या कर रही है वैसे ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा मेरे साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, एक्चुअली 12 बज गया और मैं पीहू को लेके जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा देखो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये देखो मैं पाउडर लगाने की कोशिश कर रही थी बट किस तरह बुरी तरह से स्प्रेड हो चुका है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड मेरी माँ मैड नहीं आ रही, तो मैंने सारा काम किया, मुझे सिर्फ कपड़े अभी धोने बाकी हैं और घर मैंने साफ कर दिया, बट देखो मेरी बिटिया रानी को एक्चुअली इसके अंदर गैप है ना, इसके अंदर भी वो टॉयज रखती है और फिर बाद में इस तरह देखो किस तरह से मैसेज कर देती है, और ना मुझे आप लोगों की दिखा रही थी, मुझे बिंदु दीदी ने ना गिफ्ट दिया था और मुझे बोल रहे थे तुमने पहना नहीं तुम लोग ऐसे ही करते हो, मैं तुझे कभी गिफ्ट नहीं दूंगी, तो मैंने सोचा चलो आज पहन लेती हूँ और मैं जा रही बिंदु दीदी। हाँ हमारी कुछ एक्चुअली हाँ टॉय से चलो चलो स्कूल लेट हो रहा है बाबू, और ये देखिए कुछ 12 बज चुके हैं, 12:05 हो रखा है बट एक्चुअली मेरे घड़ी 15 मिनट आगे है, और यू नो ये देखिए कितने मर मर के मैंने अभी पोछा मारा बैठ के बच्चों का घर ना सच में समझ में नहीं आता, और कल मैंने थोड़ा बहुत वॉल साफ किया था और मुझे ये पूरा साफ करना है, बट हस्बैंड जी बोले थे अर्बन क्लैप वाले को बुला लो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो एक दिन में आके साफ कर देंगे, तो मैं देखती हूँ ऐप के थ्रू कि कितने चार्जेस लगते हैं एंड ऑल, सो मैं सोच रही हूँ अर्बन क्लैप वालों को ही ऑर्डर कर दूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने अर्बन क्लैप वाले को बुलाया है घर की साफ सफाई के लिए या फिर कोई भी होगा तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट जरूर करना। ये भगवान पीहू तुम जाते जाते हमेशा ऐसा करता है लल्ला, ये साफ है देखो देखो चना दिया था खाने के लिए वो भी उसके अंदर डाल के रखा था, चलो अच्छा चलो कुछ भी नहीं कर सकते। सो चलिए मैं आप लोगों को मिलती हूँ, बिंदु दीदी मिल रही हैं, मिलने जा रही हूँ, सो मैं बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को तो सब बताते यार हम। तो यहाँ पे है पीहू की शॉपिंग, तो यहाँ पे हमने किए ट्रेंड से पीहू की शॉपिंग, और ये आपने फ्रॉक देखा होगा पीहू ने मॉल में ही पहना था, सो काफ़ी अच्छा है और मुझे इस तरह से पोलका डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, और ये टी शर्ट है रेड कलर का, यहाँ पे लिखा है हेलो, एंड इसे मैं अलग से हॉल शेयर करने वाली थी बट मेरा मूड नहीं किया, फिर मैंने सोचा इसे ब्लॉग में ही मेंशन कर देती हूँ। सो ये फ्रॉक भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा खासा डिस्काउंट था, और हमें मिला है यू नो अगर मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में भी बताया है कि 5,000 कुछ समथिंग आप शॉपिंग करते हो तो फेस्टिवल ऑफर है, आपको मिलता है एक मिक्सर, और हमने फर्स्ट टाइम मिक्सर जीता है, मतलब मिक्सर मिला है हमें, और अच्छा खासा ब्रांड है मॉर्फे रिचार्ड का ब्रांड है, और यहाँ पे ये सब देख सकते हो 249 अगर आप दो लेते हो तो 100 रुपीज़ माइनस होते हैं, दैट मीन्स 500 होते तो आपके आपको पड़ते एक टी शर्ट 200 रुपये में, तो काफ़ी अच्छा है, और इनके ब्रांड इनके जो यू नो जो मटेरियल होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और अच्छा लगता है इस तरह से। और ये लिया है पैंट, पीहू के पापा ने ये सब चॉइस किए बाय द वे, और पीहू ने कुछ कुछ पीहू चॉइस कर दिए, और आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा ज़रूर देखना जहाँ पे पीहू खुद ही शॉपिंग कर रही है, खुद ट्रायल कर रही है, ओ माय गॉड। और ये मैंने दो लिया है, एक निक्की के लिए और एक यू नो पीहू के लिए, और ये पैंट कितना अच्छा लग रहा है ना कलर,
और यहाँ पर हम आए हैं, मेरी नेबर हैं उनके घर पे, तो इतना बड़ा टेडी देख के पी बोल रही वाह टेडी, तो ये बोल रहे फ़ोटो निकालो फ़ोटो निकालो। सो थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो थोड़ा सा कैसे रहता है ना, थोड़ा ये मैं बहुत जाती नहीं हूँ वैसे जल्दी नेबर के घर, लेकिन आज सोचा थोड़ा जाके आती हूँ, क्योंकि वो भी बोलती हैं कि कोई बात नहीं करता, हम यहाँ पे कोई बात नहीं करता। तो हमारे यहाँ कैसे है ना, सब जेंट्स रहते हैं, बस ये लास्ट में एक आंटी रहती हैं, और मतलब ऐसे है। तो मैं समटाइम्स कभी कभार मुझे टाइम मिला तो मैं चली जाती हूँ, जैसे महीने में कभी एक बार। तो अच्छा लगता है इस तरह से बातें करना, गेट टुगेदर होना, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनको हिरण दे रही, बोले बाबू फ़ोटो निकाल लो, बहुत एक्साइटेड थे वो भी। और पीहू को भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, पीहू भी इंजॉय कर रही थी, देखिए कितने कितनी एक्साइटेड है पीहू। और घर पे आके बाय द वे पीहू पापा को बोले थे मेरे पास टैडी नहीं है, मेरे को बड़ा वाला टैडी चाहिए। तो पापा ने कहा ठीक है मैं लेके आऊँगा। पीहू को याद रहता है कुछ भी, मतलब अच्छा लगता है यार पीहू के साथ इस तरह से। और आंटी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट्स करना। है वो मॉर्फी रिचार्ड का एरो मिक्सर ग्राइंडर जो हमें मिला है 5000 के शॉपिंग पे, काफ़ी अच्छा है। और इसे मैंने इसमें चटनी भी बनाया एक्चुअली। सो ISI है और ये हाई ग्रेड 2 स्टेनलेस स्टील है। सो ये एक्चुअली कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हमें कुछ इस तरह से मिला। सो ये दिवाली बोनस हमें मिल चुका है एक्चुअली। सो अच्छा लगता है ना ऐसे कुछ शॉपिंग करो और थोड़ा मिल जाता है। तो हमें लगा स्टार्टिंग में कि ये बस चालू जो होते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ऐसे दे देते इन लोग स्टॉक खाली करने के लिए। बट मैंने इसमें चटनी पीसा ना, तो इतना बराबर से नहीं पीसा, क्योंकि इसके वॉट है ना बहुत ही कम वॉट का है ये। सो पता नहीं अभी समझ में नहीं आता ये जो फ्री के गिफ्ट देते हैं वो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं या फिर यूं ही ऐसे दे दिया जाता है। तो इसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हमें मिला है। तो अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो ज़रूर शेयर करना कि इस तरह से जो फ्री में गिफ्ट मिलते हैं उससे क्या इसी तरह से कंपनी वाले निकालने के लिए करते हैं या यूं ही, यू नो। सो बस ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड।